जिकड़ी भजनों का रंगारंग प्रोग्राम आपके गांव छिकसाना में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह सोरावली, ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई गौरव उर्फ किल्ला मोरली से, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास, डीजे साउंड जनुथर ठीक से। आइए एक और चिकड़ी का धमाका। श्री राधे, सभी के चरणों में शिव सिंह सोरावली का हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। सज्जनों, एक से एक बढ़िया कलाकार आपके सामने प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं, और ये मेरा दावा है अगर आप गहराई से सुनोगे तो आपको जरूर आनंद आएगा। और जो भाई बार बार निवेदन कर रहे हैं अगर इधर आ जाएं तो और बढ़िया बात है, जो पीछे खड़े हुए नीम के पीछे निवेदन है यथास्थान बैठ जाए तो और आनंद आएगा। शांति बनाए और क्या लिखिएगा गौरव भैया। देखो संगीत ऐसो चीज हो, हाँ हाँ देखो इनमें संगीत बबेर को है, हाँ संगीत इन्हें डट के उतारेंगे इनके। कवि ने लिखा चार लाइनों में कैसे भैया गौरव, हर इंसान की, हाँ जी भैया जी ए लाओ, हर इंसान की जीवन में कोशिश होती है कि भाई गुरु जरूर होना चाहिए, और सर्वप्रथम गुरु किसको माना गया, और बिना गुरु के मुक्ति भी नहीं है। लेकिन भैया गौरव लिख दिया कवि ने कैसे, पंडित जी क्या बता दिया। जाने तो कुचलनो और बोलनो सिखायो है, दूजो गुरु माने तो मान, अपने बाप को जाने तो जीवन को पाठ, कि गुरु गुरु के हित सारी दुनिया, नकली जो बनायो है, असली गुरु तेरे घट में विराज रहो, जाकू तू आज तक खोज ना। आइए चलते हैं, और सज्जनों या करंट बना के रखा जैसो बनो। मास्टर जी कैसे भैया, और इंसान के लिए चेतावनी दे रहा है कवि कैसे गौरव।
और हरियाणा वालों ने तर्ज निकाली और कौन सी तर्ज पंडित जी क्या लिखा? और भिजमा सूट पहन के चोरी और के करवावी हो गोरी गोली चल जावेगी। और बाबा क्या लिख रहा है इंसान कवि के लिए चेता इंदिरा कैसे गोरे भैया? और सोने जैसी काया तेरे और काम ना आवेगी क्यों वो बाबुरे जी माया संग न जावेगी। सोने जैसी काया तेरे काम ना आवेगी तो वो बाबू रे जी माया संग न जावेगी। वो बाबू रे जी माया संग न जावेगी। यो बताओ तुमने कोई सौगंध ले ली है? ऐसे कैसे बैठेंगे जैसे समझो जैसे कोई आधार कार्ड बनवा भी आए हो। एक बार दोनों हाथों को खड़ा करके एक बार जयकारो दे दो बोल के राज महाराज की जो वो बाबू ने जी माया संग न जावेगी। और प्रभु को भजन कर ले थोड़ी सी उमरिया राम राम सा वो वाह बेटा गौरव जवाब नहीं हो जवाब नहीं पंडित जी आपका भी इसीलिए तो कहते हैं कि साउंडों में साउंड रोहता साउंड भैया प्रभु को भजने कर ले थोड़ी सी उमरिया बेटा पापों की ज्यादा मत बांध है तू गठरिया भैया गौरव प्रभु को भजने कर ले थोड़ी सी उमरिया पापों की ज्यादा मत बांध है तू गठरिया। और भैया रुक रुक के तेरी सांस आ रही फिर ना आवेगी। वाह बेटा वाह क्या रुक रुक के तेरी सांस आ रही फिर ना आवेगी क्यों हो ज्यादा टाइम ना लेते हुए ध्यान को लगा दे एक समय का जिक्र है। भैया जी आप जैसे विद्वान बैठे हुए हैं ऐसे ही एक दिन मुरली वाले का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के अंदर सतभामा पास में
बैठी हुई है और मुरली वाले के चरणों को दबा रही है, और चरण दबाते समय मुरली वाले सतभामा को देख करके हंस जाते हैं। सतभामा ने कहा, ए छलिया, या तो मेरे भोजन में कमी रह गई या मेरे प्रसंगार में कमी रह गई। आप हंसे, हंसने का कारण अवश्य होगा। मुरली वाले ने कहा, सतभामा ऐसी कोई बात नहीं, और वास्तविक अगर तुम मेरा हंसने का कारण पूछना चाहती हो तो अपने दिल पर धैर्य रखना। मैं जिस बात को बताने के लिए जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो आपको अच्छा ना लगे। सतभामा ने कहा, प्रभु बताइए तो सही वो कारण क्या है। तो सुनिए सतभामा, जब त्रेता युग में जब मैं राम था तो तुमसे भी सुंदर, तुमसे भी अधिक मुझे प्रिय थी सीता। जब सीता का नाम सुना एकदम खड़ी हो गई, वाह कन्हैया, सतभामा और मुझसे सुंदर, हाँ तो लीजिए सुनिए। आज सतभामा क्रोध में आकर के और भैया गौरव क्या जवाब दे रही है। सतभामा ने रे और बामन मोहन ती और ऐसे बचन उच्चारो है और बहुत देर ते सीता का गुणगान करे बड़ा और ये 50 रुपए का पुरस्कार भाई जी की तरफ से, बार बार धन्यवाद। मेरे हो रूप जगत में न्यारो दुनिया लख नजारो, ये सीता मोते मलूक नहीं कह लखनियों पर के मारो, लखनियों पर के मारो है। और भैया पर नारी ते प्रेम बढ़ाए के वाह भाई वाह गौरव, ये हमारे यहाँ बंद है दस के तुम्हारे सौगंध लल्लू बंद है ऐसो मत करो, इन हमारे यहाँ मत चला तो गले धरिए। भैया देखो मैं झूठ ना बोलो, हमारे यहाँ है साहब बंद, मैं तो जब कह रहा हूं। और देखो तुमने कवर एरिया के बाहर बैठे भैया, वो भैया पर नहरी के प्रेम बढ़ाए के मेरा खुले या जोर आ जाएंगे साहब, पर नहारी ते प्रेम बढ़ाए के कोई ना सुकते सोयो, फिर राम जैसो योधा यानी जरा मुहूर्ते कोयो, जरा मुहूर्ते कोयो।
और गौरव नर अहिल्या ये चक्कर में ये रा 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 भैया नर अहिल्या ये चक्कर में इंद्र देवता हम होया हरि कहे ना हमको प्रभु मुड़ा पकड़ के रोया मुड़ा पकड़ के रोया क्या बात है हरि कहे ना हमको प्रभु मुड़ा पकड़ के रोया मुड़ा पकड़ के रोया जब से रच दई श्रेष्ठ विधाता जब से रच दई ये श्रेष्ठ विधाता एक अटल सत्य बल भारी है और एक नार को देख खुशी भई कबौला दूजी नारी के सूरत और श्रृंगार सूरत और श्रृंगार नार को खुदई लग रहे हो प्यारो और बाबा फिर मुस्काए गयो बंसी मुरली वाले फिर हंस गए लेकिन समय का अभाव सुनिए एक गाना और गाना भी धार्मिक और मार्मिक गौरव कैसे भैया और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्याम सिंह सरपंच हमारे देते हैं बार बार धन्यवाद क्या लिखा भैया गाना उस समय का जिस समय आप टेलीविजन ट्रांजिस्टर मोबाइल अखबार इत्यादि में आप पढ़ते हैं और देखते हैं पुलवामा के अंदर जो हमारे भारत के वीर जवान शहीद हुए उनमें से एक नाम आता है भाई चित्रेश बिष्ट जो मात्र शादी से 18 दिन पहले देश के लिए बलिदान हो गए कुर्बान हो गए जब भाई चित्रेश का सब उसके गांव में आया तो चित्रेश की मां ने कहा हे भगवान अगर मुझे एक ही बेटा दिया तूने अगर मुझे चार चार बेटे होते तो मैं चार बेटों को भी देश के लिए बलिदान कर देती और आज वो चित्रेश की मां क्या कह रही है गाने के अंदर जो शादी की रस्म होती है पूरी उन रस्मों को निभा रही है सुनिए गाने के अंदर क्या कह रही है भैया और ये 50 रुपए का पुरस्कार गुलाबी प्रजापति जमा ले देते हैं बार बार धन्यवाद और क्या कहा भैया क्या कह रही चित्रेश की माँ चित्रेश से भैया शादी से पहले बेटा और तू दूल्हा बना मुहूर्त से पहले बेटा और दूल्हा बना है और सजा छोड़े आरती का और थाल जाना है और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो उन वीरों के लिए याद कर लेना और उनके लिए ताली जरूर बना कैसे भैया जी सजा छोड़े आरती का और थाल जा रहा है यो तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है यो भैया आज उसकी मां कह रहे कि बेटा सुन मनहूस आया फोन हेरे मनहूस आया फोन घर वाले बैठे मोन
रहा हिंदुस्तान, ये चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। और भैया और ताली बजा सा आप रोक सको तो रोक लेना, वो सब जा रहा आपके सामने। क्या भैया गौरव न बारात जा सकी ना घर में बहू आ सकी, ना बारात जा सकी ना घर में बहू आ सकी, क्यों ये शादी के कार्ड भी छपे के छपे रह गए। और कहा बेटा सुन भैया गौरव क्या लिखा, सुहागिन का जोड़ा वो माथे की बेंदी और धरी रह गई दुल्हन के हाथों की मेहंदी। बेटा धरी रह गई दुल्हन के हाथों की मेहंदी। और गौरव सब के बदले घर में मातम मना है। वाह बेटा उत सब के बदले घर में मातम मना है, क्यों जीवन का सारा धन माल जाला है, सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है, तिरंगे मानती हूं इस बात को। कौन सी को लेकर पतन का भार कंधों पे जाता, और अफसोस है तो इस बात का बेटा घोड़ी के बदले चार कंधों पे जाता। और बेटा सहनाई पे तुझको मेरी ममता भी रो गई, ऐसा पुत्र जन कर मेरी कोख तन हो गई, ऐसा पुत्र जन कर मेरी कोख तन हो गई। भैया रामवीर दुश्मन दल का पानी छना है, भैया लाला पतन की बनकर ढाल जा रहा है, सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है, जो तिरंगे में लिपटा